हम सब जानते हैं कि एक अच्छे सक्सेसफुल करियर के लिए अच्छे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट तो हैं लेकिन इतनी ज़्यादा क्रूशियल नहीं है, और जो चीज़ें क्रूशियल होती हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये कम्युनिकेशन है क्या। बेसिकली कम्युनिकेशन इज अ मोड और मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे आप तक कोई मैसेज पहुंचाना है, जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, मैं क्या कर रहा हूँ आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, अब मुझे आपको एक मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो है पहुंचानी है, अगर आप तक वो इन्फॉर्मेशन मैसेज सक्सेसफुली पहुंच जाती है और आप मेरी बात को समझ जाते हो, तो मेरा जो कम्युनिकेशन का मकसद है, पर्पज है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन इज बेसिकली एनीथिंग दैट यू आर डूइंग थ्रू योर माउथ और थ्रू योर टंग, आप जो भी अपने जबान से अपने मुंह से बोल रहे हो, दैट इज वर्बल कम्युनिकेशन, एज सिंपल एज दैट। तो वो चार चीज़ें क्या हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होती। सबसे पहली है एक्सेंट। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे हिंदुस्तान में लोगों को फॉरेन एक्सेंट से इतनी ज़्यादा मोहब्बत क्यों है। लोगों को थोड़ी सी इंग्लिश जो है वो आती नहीं है और वो लोग जो है फॉरेन एक्सेंट जो है फॉलो करने की कोशिश करने लगते हैं। स्पेशली अमेरिकन एक्सेंट का बहुत शौक है ना, हमारे जो है लोग हैं बोलते भैया, यू नो, एंड आई वेंट टू स्ट्रेट, आई डिड दिस, आई डिड दैट। तो क्या होता है एक्सेंट जो है, एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का जो है आपका तरीका, और एक्सेंट जो है वो आपके रीजन के साथ, आपकी कंट्री के साथ और जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसके साथ जो है वो वैरी करता है। और कोई भी एक्सेंट अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है। अमेरिका है, एक कंट्री है, वहाँ के लोग एक तरीके से बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग उसी इंग्लिश को दूसरे तरीके से बोलते हैं, ब्रिटिशर्स उसी इंग्लिश को तीसरे तरीके से बोलते हैं, दैट्स देयर एक्सेंट। इस तरीके से एक चाइनीज एक्सेंट है, एक इंडियन एक्सेंट है, तो दीज आर ऑल एक्सेंट्स। और कोई भी एक्सेंट जो है वो अच्छा या बुरा नहीं है। तो अच्छे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का एक्सेंट कॉपी करने लगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सेंट ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी बात सामने वाले को जो है वो समझ में आ जाए और क्लियरली समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया में वर्क कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं सब अमेरिकन एक्सेंट या ब्रिटिश एक्सेंट और आपकी बात सामने वाले को समझ में नहीं आ पा रही है, पूछना पड़ रहा है बार बार, सॉरी सॉरी, पार्डन प्लीज, तो इसका मतलब ये कि आपके एक्सेंट का जो, आपकी कम्युनिकेशन का जो पर्पज है वो डिफीट हो गया। हालांकि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया और मेरा बहुत स्ट्रांग इंडियन एक्सेंट था, जब मैंने लोगों से यहाँ पे बात करी तो लोगों को थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी कुछ कुछ वर्ड समझने में, वो पूछते थे सॉरी, कम अगेन। तो क्या किया मैंने, अपना एक्सेंट थोड़ा सॉफ्ट किया सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने एक्सेंट को चेंज कर दूँ और ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट बना लूँ या अमेरिकन एक्सेंट बना लूँ। वाई? क्योंकि आपका एक्सेंट जो है बिलोंग्स टू योर आइडेंटिटी, और आप जैसे बोल रहे हो आपको, यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन दैट, राइट? तो लाइक लोग बोलेंगे आपसे कि नहीं इस एक्सेंट में बोलो, तुम्हारा एक्सेंट ऐसा है या वैसा है, डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। असली मकसद जो है कम्युनिकेशन का कम्युनिकेट करना है। नंबर टू थिंग दैट्स रिलेटेड टू दैट इज प्रोनाउंसिएशन। अब जैसे ही मैंने प्रोनाउंसिएशन बोला, अभी लोग बोलने लगेंगे नो, इट्स नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट्स प्रोनाउंसिएशन। हाँ, मुझे भी पता है कि इट्स प्रोनाउंसिएशन, बट मेरा पॉइंट ये है कि भाई आप प्रोनाउंसिएशन बोलो या प्रोनाउंसिएशन बोलो, although it's important कि आपको चीज़ों के pronunciation आए और pronunciation आए और आपको पता हो कि किस चीज़ को किस तरीके से बोलना है, but ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ का pronunciation पता हो। as long as मेरी बात सही से communicate हो पा रही है आपको, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा verbal communication का मकसद यहाँ पे complete हो गया, right? and specially for those people जो भाई के अभी communication skills जो है इतने अच्छे नहीं है, they are trying to लर्न, और अभी उनकी इंग्लिश भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, दे डोंट नो द प्रोनंसिएशन ऑफ एवरीथिंग, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को समझना कि भाई अगर आपके पास एक्सेंट नहीं है, सेकेंडली अब आप कुछ वर्ड जो है सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको जो है जज करें या डिमोरलाइज करें, बट उन लोगों की बात मत करो, डोंट वरी अबाउट देम, बिकॉज आपके वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का आपके प्रोनाउंसिएशन से उतना ज़्यादा जो है कोई रिलेशनशिप जो है वो नहीं। तीसरी थिंग जिसपे अगेन बहुत सारे लोग फोकस करते हैं वो है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश, और बेसिकली कि आपको कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वर्ड्स पता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे लोग इंग्लिश लर्न करते रहते हैं उन्हें नए नए वर्ड्स पता चलते रहते हैं, ऐसे कोई आप कोई भी लैंग्वेज बोलोगे उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं
और फिर इंसान जो है उस वर्ड्स को अपनी लैंग्वेज में जो है यूज करने लगता है। लेकिन अगेन अगर आपकी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग नहीं है और आपको बेसिक वर्ड्स पता है, बहुत सारे इंग्लिश के जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो कि आपको हो सकता है नहीं पता है, अगेन दैट्स कम्प्लीटली ओके। अब शशि थरूर की तरह आपको जो है वो इंग्लिश झाड़ने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं अगेन हमारी सोसाइटी में जो इंग्लिश को सही से झाड़ने की कोशिश करते हैं, बट वर्बल कम्युनिकेशन का आई एम टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन एंड टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन रिलेटेड टू योर करियर, मैं अकेडमिक्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा कि इंग्लिश के आप लेक्चरर बन रहे हो प्रोफेसर बन रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए। करियर मतलब आपको अपने इंटरव्यूज में कैसे परफॉर्म करना है, ग्रुप डिस्कशन में कैसे परफॉर्म करना है, मीटिंग में कैसे बोलना है, प्रेजेंटेशन से कैसे बोलना है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, इन सारे सिनेरियोज में कोई ये जज नहीं कर रहा है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रांग है, राइट। अगर आप सिंपल वर्ड्स में सिंपल टर्म्स में अपनी बात को कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो देन अगेन इट सॉल्व्स द पर्पस। द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली है, जैसी मैं बोलूंगा लोग कमेंट्स में भी लिखेंगे, वो है ग्रामर। ग्रामर पे जो है अगेन बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है और इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बेसिक ग्रामर और आपको बेसिक ग्रामर आनी चाहिए ताकि आपकी बात जो है सही से कम्युनिकेट हो जाए। लेकिन मेरे कहने का पॉइंट ये है कि अगेन जरूरी नहीं है कि आपकी ग्रामर जो है वो परफेक्ट हो टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, राइट। ग्रामर इज समथिंग दैट यू लर्न एज यू गो, और आप जैसे जैसे और कम्युनिकेट करते जाओगे, बात करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आपकी ग्रामर जो है वो स्लोली इम्प्रूव होगी। लेकिन अगर आपकी ग्रामर इस वक्त अच्छी नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है भाई, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे यार मेरी तो ग्रामर जो है वो सही नहीं है और अब क्या मैं कैसे जो है बात करूँगा, मैं अपनी बात कैसे कम्युनिकेट कर पाऊँगा। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं पैडमैन जो है वो देख रहा था, उसमें अक्षय कुमार जो है जो रियल पैडमैन थे अरुणागरम उनको जो है वो पोर्ट्रे कर रहे थे और उसमें वो जो है यूएन में एक स्पीच देते हैं और उसमें ही डजंट स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, राइट, और ही चूज नॉट टू गेट अ ट्रांसलेटर। वो बोलते हैं भाई मेरे ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, मेरी जैसी भी टूटी फूटी इंग्लिश है मैं उसमें कम्युनिकेट करूँगा। And he didn't have a proper English, he didn't have proper English grammar, but then he said his speech, but उनके content में जो इतना दम था कि everyone clapped. अब वो लोग जो है वो बेवकूफ तो है नहीं, why did they clap? Because they could understand what was being communicated and they could appreciate the message. And that message was again communicated very confidently and clearly and with conviction. ये सारी qualities जिनके बारे में मैं अभी आपसे बात करना चाह रहा हूँ और करने जाने वाला हूँ। तो If I am not speaking English proper, but I say something that understand you and you get message mine, then my communication very good, successful, right? तो कहने का मतलब ये है भाई कि अगर आपकी ग्रामर हो सकता है परफेक्ट ना हो, आपको पास और प्रेजेंस में जो है वो गलती कर देते हो, तो ये मत समझो कि तुम्हारे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छे नहीं हो सकते, इम्प्रूव नहीं हो सकते। यू हैव टू फोकस ऑन द थिंग्स जिनके बारे में अभी बात करने जा रहा हूँ मैं। आई कॉल देम 7 C's। देयर आर स्पेसिफिक थिंग्स अबाउट कम्युनिकेशन, इफ यू कैन इम्प्रूव देम, इफ यू कैन वर्क ऑन देम, तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन बहुत सुपर हो सकता है एंड स्पेशली यू कैन अचीव अ लॉट ऑफ सक्सेस इन योर करियर। So let's start with the first C, which is composure. Composure का जो है वो होता है basically आप जब अपना मुंह खोलते हो, जब आप communicate करने के लिए कुछ बोलने वाले होते हो, आपका communication उससे पहले start हो जाता है। वो communication होता है आपकी body language से, आप किस तरीके से बैठे हो, किस तरीके से खड़े हो, किस तरीके से जो है वो बात कर रहे हो, that actually matters a lot. That's speak a lot of things about you. So without saying, and or even जब आप बोल रहे हो तो आपके चेहरे के हाव भाव क्या है, आपके चेहरे पे स्माइल है या नहीं है, आप जो है आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें जो है ये आपके कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा मैटर करती है, सबसे ज्यादा। तो भाई अब आप इंटरव्यू में बैठे हो और आप जो है तो इम्प्रेशन क्या पड़ेगा, या फिर आप मीटिंग में बैठे हैं और ऐसे जो है बैठे हैं, तो योर पोस्चर मैटर्स अ लॉट।
मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी मैं जो है हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का जो है वो इंटरव्यू देख रहा था, और उसमें उन्होंने, अगर आपने गैंग्स ऑफ वसीपुर टू देखी हो, उसमें उन्होंने फैजल का रोल किया है। तो वो बता रहे थे कि जब वो फैजल का रोल उन्हें मिला, उन्होंने पहला शूट किया, तो अनुराग कश्यप उनके पास आए और बोले कि भाई तुम्हारी एक्टिंग में जो है मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से फैजल नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है तुम फैजल बनने की कोशिश कर रहे हो, फैजल बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो है वो बात आ नहीं पाती। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब जो है बड़े टेंशन में आए, वो जो है अपने गांव गए वापस, और गांव जाके उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वाकई में जो लोग पावरफुल होते हैं वो कैसे बैठते हैं, उनका क्या क्या तरीका होता है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बताते हैं कि उनके बैठने का बड़ा रॉयल तरीका होता है, उनके बात करने का बड़ा रॉयल तरीका होता है, और बोलने से पहले ही समझ में आ जाता है वो बंदे ने कुछ बोला नहीं, बट दूर से आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि साहब बंदे के अंदर पावर है, जो बात बोलने जा रहा है उसमें दम है, राइट। तो That is your composure, and your composure is the most important thing जिसके ऊपर आपको work करना है। Now second thing is clarity. तो जब मैं बात कर रहा था accent की या pronunciation की, उन सब से ज़्यादा important है जो आप बात कर रहे हो वो आप clearly convey कर दो। अब आप ऐसे बोल रहे हो या भी बातें होने आ रही हो, right? या बहुत बोल रहे हो आपका क्या बिल्कुल समझ नहीं आ रही किसी को, या आप ये बात तो, या फिर कुछ बातें तेज बोल धीरे बोल रहे। क्लैरिटी जो है आपके कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी वर्ड्स आप बोल रहे हैं बहुत क्लियरली वर्ड बाय वर्ड जो है बातों को बोलें। और एक चीज मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग जो है एग्जांपल दूंगा, कभी कभी बोल के ना जब आपको अपने थॉट्स फॉर्म करने हो, तो आप अपने थॉट्स कैसे फॉर्म कर सकते हैं कि आपने एक बात बोली, सामने वाले की आंख में देखा, और इतनी देर में जब जब आपने ये पॉज दिया तो आप सोचे, फिर आपने दूसरी बात बोली, फिर सामने वाली तरफ देखा, मुस्कुराया, फिर तीसरी बात बोली, और फिर उसके बाद चौथी बात बोल के आपने अपना सेंटेंस जो है वो क्लोज किया। तो अगेन आपने क्या किया, अपना आई कॉन्टेक्ट सामने वाले के साथ बनाया, आप मुस्कुरा रहे हो, ऑफकोर्स आप सोच रहे हो, कुछ लोग जो है वैसे सोचते हैं, पता नहीं ऊपर देख के सोचते हैं, कुछ लोग जो नीचे देख के सोचते हैं, अगर आपको सोचना भी है बोलने के बीच में, सामने वाले की आंखों में देख के सोचो, ठीक है। जो भी आपके थॉट्स हैं ना वो इधर रखो, अपने थॉट्स को इधर मत रखो, इधर मत रखो, अपने सामने रखो, राइट। और फिर उसके बाद बोलो, और क्लियरली बोलो, पॉज दो, सामने वाले को आपकी बात एब्जॉर्ब करने का मौका दो, ठीक है। तो कोशिश करो आप जब भी कोई चीज़ बोल रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या बताएं, मैंने पहला था कंपोजर, दूसरा था क्लैरिटी, और तीसरा है कॉन्फिडेंस। अब मैं बोलता हूँ कॉन्फिडेंस, अब और ये बात आपको हर कोई बताता है कि भाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, दिक्कत ये है कि कॉन्फिडेंस ही तो नहीं है, अब कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आया जाए। तो कॉन्फिडेंस आपके आपको इस तरीके से लेके आना है कि आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि जो मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, जो मैं बात कह रहा हूँ, वो बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे डिलीवर कर रहा हूँ, मेरी कैसी भी ग्रामर हो या एक्सेंट हो या प्रोनंसिएशन हो या वोकैबुलरी, उससे कोई मैटर नहीं करता। जो मैं बात, अपनी बात, मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो जो है वो वैलिड बात है, ठीक है। और अब मैं उसको जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है सपोर्ट करूँगा। और उसी से जो चौथी मिलती हुई चीज़ है वो है कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो तो यू बिलीव कि उसके अंदर सब्सटेंस है, और आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, बैक कर रहे हो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से और अपने अपने आर्ग्यूमेंट से। तो दो तरीके हैं, मान लो आपको जो है सैलरी जो है वो अपनी बढ़वानी है। एक तरीका ये है कि साहब अपने बॉस के पास गए कि सर ऐसा है कि सर मैं बात आपसे ये बोलना चाह रहा था कि सर मेरी जो है वो सैलरी अगर आप बढ़ा देते तो सर बहुत अच्छा होता। दैट्स वन वे ऑफ सेइंग, राइट। इसमें क्या है, पहली बात तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे बात करने के तरीके में, क्लैरिटी नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है, मतलब क्यों भाई क्यों बढ़ा दे सैलरी, ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने बॉस के पास जाते हैं और बोलते हैं सर मुझे आपसे एक बात कहनी थी, सर जितनी भी आपने मुझे सैलरी दे रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर दैट, बट आई बिलीव कि मैंने अपने पिछले एक साल में ये काम किया है, ये काम किया है, कंपनी के लिए मैंने बहुत डेडिकेटेडली वर्क किया और मेरी वजह से कंपनी को जो है इतना प्रॉफिट हुआ है, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट आई डिजर्व a raise, right? And this is of course pending your approval. But in saying that, अगर आपने यही चीज़ clearly convey करी तो, और इसके अंदर आपने इस चीज़ को conviction के साथ कहा, जब आपने कहा I believe,
then you did a bit of thought and then you said it with conviction, you said it with belief, तो सामने वाले को भी believe होता है कि आप जो बोल रहे हो वो सच है या नहीं है. सामने वाला क्या करता है, आपको mirror करता है. So अगर आपसे interview में पूछा जाए why do you, मतलब आपको जो ये जॉब क्यों दी जाए ना, और आप बोलो कि सर आई एम मैंने जो है मेरे कॉलेज के कम्युनिकेशन स्किल में और मेरे जो है बहुत अच्छे मैं पढ़ाती हूँ और ये और वो है, अगेन देयर इज नो कन्विक्शन. अगर आपको स्ट्रांगली जो है इसको सपोर्ट करना है देन यू विल से आई बिलीव कि मुझे ये जॉब इस वजह से मिले क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में जो स्किल्स हासिल किए हैं थ्रू whatever extracurricular activities या मैंने अपनी जो पढ़ाई करी है उसमें मैंने जो स्किल्स हासिल किए हैं, आई स्ट्रांगली एंड फर्मली बिलीव दैट आई विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट दो स्किल्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई विल बी एबल टू एक्चुअली यू नो ब्रिज दोस गैप्स और मीट दोस नीड्स दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड. जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात से लग रहा है कि आई एम सेइंग इट विद कन्विक्शन, राइट. द फोर्थ थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कोहेरेंस. कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि आप जो बोल रहे हो उससे पहले जो आपने बोल दिया उसके बाद जो आप बोलने वाले हो उसमें जो है एक एक लिंकेज है और उसी से लिंक दूसरी चीज होती होती है फ्लुएंसी. तो आपके वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप बातें बोल रहे हो एक दूसरे से वो कनेक्टेड हो, ऐसा ना हो कि एक बात उधर भाग रही है, एक दूसरी बात उधर भाग रही है, तीसरी बात उधर भाग रही है. और कोहेरेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिमाग में वो थॉट्स ऑलरेडी जो है वो डेवलप करते रहो कि आपको नेक्स्ट बात क्या बोलनी है, नेक्स्ट बात क्या बोलनी है, और वो चीज़ आप एक फ्लुएंसी के साथ जो है वो बोलते रहो. तो मैं एक आइडिया देता हूँ स्पेसिफिकली जिसको मतलब इंग्लिश में जो है वो प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना होता है. तो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, वो ये है कि अपने थॉट्स जो है ना जब आप सोचते हो दिमाग में उसको इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो. कहने का मतलब ये है कि when you are thinking about something, try to think it in English. Like it's very funny, but आप कोशिश करोगे तो आप थोड़े टाइम में जो है आपके थॉट्स जो है वो इंग्लिश में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे. अभी आपका थॉट प्रोसेस क्या होता है, आपसे सामने वाले ने पूछा कि ओके टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ फॉर एग्जाम्पल, आपके पहले दिमाग में जो जवाब आएगा वो हिंदी में आएगा. आप बोलोगे कि मैं जो है मैंने यहाँ से पढ़ाई करी, फिर उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट करोगे और फिर उसके बाद आप उसको बोलोगे. बट अगर वो थॉट्स लगातार आपके पास इंग्लिश में आ रहे हैं तो यू विल हैव दैट कोहेरेंस. सेकेंडली जैसा कि मैंने बोला कि इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को टाइम दो, अपने आप को पॉज दो. जब किसी ने क्वेश्चन पूछा है तो उसकी तरफ देखो, ठीक है, मुस्कुराओ, कोई जल्दी नहीं है आंसर देने की. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे किसी ने पूछा ओके व्हाई डू यू थिंक यू आर एन एसेट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग लाइक दैट, व्हाटएवर, जो भी है, डिस्क्राइब अबाउट दिस और टेल मी अबाउट योर हॉबीज, राइट, तो कोई जल्दी नहीं आंसर देने की. आप उसकी तरफ देखो, मुस्कुराओ और फिर उसके बाद अपने आंसर को फॉर्म करो. आप बोलो कि आई बिलीव और माय हॉबी, आई गॉट अ लॉट ऑफ हॉबी बट माय स्पेसिफिक हॉबीज आर दिस एंड दिस एंड दिस. तो आप क्या कर रहे हो कि आप उस पॉज को, उस सुकून को यूज कर रहे हो उनके साथ जो है आई कॉन्टैक्ट करने में, एक रेपो बिल्ड करने में, मुस्कुराने में अपने अपने बॉडी जेस्चर से, और धीरे धीरे अपने दिमाग में जो है वो आंसर को फॉर्मुलेट कर रहे हो. तो इससे क्या होता है आपका आंसर कोहेरेंट लगता है, ऐसे लगता है आप इधर जा रहे हो फिर इधर जा रहे हो फिर इधर जा रहे हो फिर इधर जा रहे हो. ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए. तो मैंने चार चीज़ें बताई अब तक, कंपोजर, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कोहेरेंस. दो चीज़ें और रह गई हैं, एक है जो पांचवी चीज़ है वो है कन्विक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया, वो है कंटेंट. नाउ कंटेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इट इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन कम्युनिकेशन. कहने का मतलब ये है कि आप कम्युनिकेशन कुछ भी, मतलब आप कितनी भी अच्छे फ्लुएंसी से बोल लो, कितने भी अच्छे एक्सेंट से बोल लो, कितना अच्छा भी अच्छा आपका कंपोजर हो, क्लैरिटी हो, वट एवर इट इज, अगर आपका कंटेंट जो आप बोल रहे हो इट वुडेंट हैव एनी सब्सटेंस, आपका कंटेंट ही जो है वो फीका होगा, तो जो है आपका कम्युनिकेशन का जो है कोई फायदा नहीं. तो एक चीज अगेन वर्बल कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट जो होती है वो ये होती है कि आप सेम चीज को जो है वो बार बार रिपीट मत करो. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये बोलना है कि लेट्स डू अ ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक और मेरा बिलीफ ये है कि इसे इस तरीके से लेना चाहिए, तो अब मुझे उस चीज को घुमा फिरा के 3-4-5 तरीके से कहने की जरूरत है. एक रेशो होता है बेसिकली कि आप कितने वर्ड्स को यूज करके कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर पा रहे हो
दैट इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। हमें लगता है कि भाई जो जितनी ज्यादा लंबी जो है वो बातचीत कर पा रहा है वो बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर है, बट द फैक्ट इज जो इंसान अपनी बात को कम से कम शब्दों में ढंग से कम्युनिकेट कर पा रहा है, दैट पर्सन इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। क्यों? ये टाइम आजकल किसी के पास नहीं है, ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। एक बात आपको कम्युनिकेट करनी, एक मैसेज कम्युनिकेट करना है। अब वो मैसेज आप जो है घुमा फिरा के चार पांच सेंटेंस बोल के कम्युनिकेट कर दो, या वो मैसेज आप प्रॉपरली दो सेंटेंस बोल के कम्युनिकेट कर दो, दैट इज मच बेटर। तो जो अपना कंटेंट है वो वेल डिफाइंड रखें और उसको जो है वो प्रिसाइज रखें। तो मैंने आपको बताया कंपोजर, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, कोहेरेंस, कन्विक्शन एंड कंटेंट, दीज आर द सिक्स इंपॉर्टेंट थिंग्स जो अगर आप जिनका ध्यान रखोगे तो यू विल हैव एन अमेजिंग अमेजिंग वर्बल कम्युनिकेशन। तो अब इस पे कैसे वर्क किया जाए, आई विल प्रोबब्ली मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है लोगों के साथ यही होता है कि आपने बता तो दी लेकिन मैं इनको प्रैक्टिस कैसे करूं। और स्पेशली पीपल हु कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड एंड लाइक आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मेरे पापा जो है वो हिंदी मीडियम में पढ़े ना, ही डिडंट हैव मनी, मतलब 50 सेंट्स जो है 50 पैसा जो एक्स्ट्रा लगता था इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का, तो मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे तो वो जो है वो आपके हिंदी मीडियम में ही पढ़े राइट। मेरी मदर भी जो है वो उर्दू हिंदी मीडियम में जो है उन्होंने पढ़ाई करी। हमारे घर में जो है ऐसा कोई इंग्लिश बोलने वाले नहीं थे ना जिससे हम समझते, जिस स्कूल में हमने पढ़ाई करी उस वो स्कूल तो इंग्लिश मीडियम था बट वॉज नॉट एज अ स्कूल के जिसमें जो है टीचर्स इंग्लिश बोल रहे हो या स्टूडेंट्स इंग्लिश बोल रहे हो, पूरी बात जो है वो हिंदी है उर्दू में, इवन इंग्लिश टीचर्स भी जो है वो आधी से ज़्यादा बात जो है वो हिंदी और उर्दू में रखते थे। तो हमारे लिए इंग्लिश सीखना जो है वो बहुत चैलेंजिंग था। तो प्रॉब्ली माई नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई विल टेल यू इज कि इन जो पांच छह या छह स्किल्स इन पे आप कैसे वर्क कर सकते हैं और कैसे इस माहौल में भी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। टिल देन आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई और चीज या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेट करना हो, प्लीज कमेंट्स में टाइप करें और मुझे भेजें। और कोई भी क्वेश्चन हो या नए टॉपिक्स के लिए कोई सजेशन हो, प्लीज कमेंट्स में जो है वो टाइप करें, मुझे भेजें। टिल देन इट्स अ वेरी गुड बाय फ्रॉम अमीर कुतुब। थैंक यू।